या अल्लाह या रहमान या रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। بسم الله الرحمن الرحيم। إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له कुन फयकून। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व सल्लम। 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 या हय्यो या कय्यूम। या हय्यो या कय्यूम। या हय्यो या कय्यूम। अस्सलामु अलैकुम। हफ्तावार जुम्मा महफिल में खुश आमदेद। आज 29 मई 2020 और आज मैंने आपके सामने सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ी आपके सामने और अल्लाह तबारक व ताला की आयत जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ के करने का इरादा करता है तो उसे सिर्फ कुन कहता है वो और वो होती चली जाती है। अल्लाह का कुर्ब अख्तियार करने वाले लोग, अल्लाह के उलूम के हामिल लोग, अल्लाह के इल्म पर गौर करने वाले लोग और अल्लाह की निशानियों पे गौर और रिसर्च करने वाले लोग, वो जो बुनियादी काम करते हैं उनका काम ये होता है कि वो अल्लाह के इरादे को समझना शुरू करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह इस मौसम के ज़रिए क्या चाह रहा है, अल्लाह किसी बीमारी के ज़रिए क्या चाह रहा है, अल्लाह मियाँ किसी मुसीबत के बदले में क्या चाह रहा है, अल्लाह मियाँ को खुशी देकर क्या चाहता है, अल्लाह मियाँ रिज़क की फरवानी करके या उसकी कमी करके उसका चाहना क्या हो सकता है। और जो लोग अल्लाह के इन इरादों को समझना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं, जिन्हें हम औलिया अल्लाह के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रूहानी उलूम दरअसल क्या हुए, अल्लाह के इरादे को समझने का रास्ता, या हम ये कह लें औलिया अल्लाह ने जो अल्लाह के मंशा, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के इरादे को समझने का जो मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया उसको सिखाने के लिए, तो उसे सिलसिला कहा जाता है। और इन स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ जिनको सलासल कहा जाता है या सिलसिला कहा जाता है में एक दफ़ा दाखला ले लेने के बाद हुसूल इल्म के लिए मुख्तलिफ़ मराहिल तय करवाए जाते हैं, जिसमें असबाक हैं, जिसमें मुजाहदे हैं, मुराकबाजात हैं, तस्किया नफ्स की मुख्तलिफ मशकें हैं और मुख्तलिफ़ उलूम हैं जिनका थ्योरी और प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। ये एक अलग बात है कि उनका तरीक़ाकार
आम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज़रा सा हटकर है, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज की मौजूदा शक्लें, इनको कुछ अर्सा हुआ है, अभी 30-40-50 साल हुए हैं, जबकि इन सलासल के पास जो तरीक़ाकार है वो अतालीक अंदाज है, अंदाज़ अतालीक, जिसमें उस्ताद के पास लोग जाते हैं और उस अतालीक की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक अपना तज़किया भी हासिल करते हैं और उलूम भी हासिल करते हैं। तो ये जुम्मा महफिल भी उसी अतालीक सिस्टम की, उसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी कह लें आप की, या अल्लाह के इरादे को समझने का की एक कड़ी है। फी ज़माना जो सूरत-ए-हाल है पूरी दुनिया में, अल्लाह ने ही मेरे ख़्याल में चाहा कि अब इन बातों को थोड़ा खोल कर बयान किया जाए, जो लोग भी इन उलूम को जानते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि वो मुख्तलिफ मीडियम और मीडिया इस्तेमाल करके अल्लाह की तालीम और अल्लाह की बात और अल्लाह के उलूम को मुख्तलिफ अंदाज़ में अपनी जो भी उनकी सलाहियात हैं के मुताबिक वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, और ये दुनिया की मर्ज़ी है वो उसे कबूल करें ना करें। वो चाहें तो दाएं हाथ वाले लोगों के साथ शामिल हो जाए, तो चाहें वो बाएं हाथ के साथ बाएं हाथ वाले लोगों के साथ शामिल हो जाएं, तो आखिर में उनको चाहे वो दाएं तरफ गए थे या बाएं तरफ, अपने किए का मज़ा चखना है। यह कुरान ने कहा है, कुरान के अल्फाज में मैंने आपके सामने अर्ज़ की कि चखना है, मज़ा चखना है, कि वो गलत सही के से हट के है, वो मज़ा चखना होता है एक चीज़। अब देखो ना, चावल का एक अलग जायका है, हलीम का एक अलग जायका है, गोश्त का अपना अलग जायका है, तो उसकी कसरत या कमी के ऊपर बिल्कुल हम ये कह सकते हैं नफ़ा है या नुकसान है, लेकिन बाहसियत मजमू आपको ये तो नहीं कहता कि चावल होते ही गलत है तो अल्लाह में उगाते ही नहीं इसको। तो इसी तरीके से दायां और बायां दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये गलत या सही के हिसाब से नहीं है। तो जो दाएँ में लोगों के साथ शामिल होकर एक्सट्रीम पर गए तो उनके ऊपर भी गिरफ्त होती है, और जो बाएं लोगों बाएं तरफ वालों के साथ जाकर एक्सट्रीम पर गए और ज़मीन पर शर का बाइस बने तो उनकी भी बात पोस होती है और होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने ये अर्ज़ अपने खलीफा के लिए बनाई और उसकी हिफाजत करता है वो खुद, उसका एक निज़ाम वज़ा किया, तो अल्लाह को इस अर्ज़ पे जिस पे उसके खलीफा ने हुक्मरानी करनी है में किसी किस्म की का फसाद, किसी किस्म का शर पसंद नहीं है अल्लाह को, और वो एट द एंड उस शर करने वाले लोगों को काबू भी कर लेता है और उसको नसीहत भी लगाता है और उसको फिर इबरत का निशान बनाता है, ताकि जो पीछे बच जाने वाले लोग हैं वो इससे बहुत कुछ सीखें और आइंदा ऐसा ना करने का एहतमाम करें। कुछ वक्त गुज़रता है, इंसानियत एक ऐसी चीज़ है कि उसका जहन बड़े से बड़े वाक़े को भूलना शुरू हो जाता है, और वो कुछ अरसे बाद वो उस इन चीज़ों को भी भूल जाता है, तो नतीजा ये होता है कि इंसान फिर से क्या कहना चाहिए कि फिर से सरकशी करता है, और जब वो सरकशी जब तक अल्लाह की ज़मीन पर फसाद का बाइस नहीं बनती तो वो सिस्टम अल्लाह का रब का एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो इन हदूद को छू लेता है जहाँ पे फसाद बरपा हो तो फिर अल्लाह तबारक व ताला का सिस्टम हरकत में आता है, और फिर वो मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करता है
आसमानी आफात के ज़रिए, जलजलों के ज़रिए, बिजली कड़का के, बारिशें करके, कोरोना फैला के, हैज़ा फैला के, जो जिस तरह अल्लाह को मुनासिब लगे, तो वो बहुत सारे लोगों को उठा लेता है। तो उसमें अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे लोग भी जाते हैं। कहते हैं कि घुन भी पिस गया, ठीक है, घुन मतलब अच्छे के साथ बुरा गया या बुरे के साथ अच्छा गया, तो जो अल्लाह को जैसा मुनासिब लगा तो अल्लाह मियाँ बहुत सारे लोग ऐसे उठा लेते हैं। तो ये अल्लाह का तरीका कार है, और उससे पहले ही कि ऐसा नुकसान पूरी दुनिया में ना हो, तो उसका तरीका कार ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी को समझ लिया जाए, अल्लाह के इरादे को समझ लिया जाए। और अल्लाह के इरादे को जो लोग समझ जाते हैं वो बिल्कुल सिखाते हैं, और जो लोग सीख लेते हैं तो वो अल्लाह के जो सुन्नत है उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते, और जो लोग अल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं जाते वो अल्लाह के दोस्त होते हैं। ये आज की जुम्मा महफिल के लिए मेरी मारूज़ात थी। इसके बाद अब हम मुराकबा करेंगे, 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 11 मरतबा या हय्यो या कय्यूम पढ़कर आंखें बंद करें, तसव्वुर करें अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से अनवार बरस रहे हैं, और उनमें से जिन अनवार का रंग नीला है वो आपके दिमाग पर बरस रहे, रीढ़ की हड्डी के ज़रिए सफ़र करते हुए आपके दिल में जज्ब हो रहे। जो ख़वातीन हज़रात किसी भी सिलसिले में हैं वो तसव्वुर शेख करेंगे कि शेख में काम करने वाली अल्लाह तबारक व ताला की लहरें और तर्ज़ फ़िक्र की लहरें और अल्लाह तबारक व ताला के अनवार व बरकात वहाँ से निकलकर आपके अंदर जज्ब हो रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।